खटीमा वन रेंज से सटे चकरपुर और चीनी गोठ में हाथियों ने आतंक मचा रखा है। रात में हाथी खेतों में घुस आए और फसलों को रौंद दिया। ग्रामीणों ने बमुश्किल हाथियों को शोरगुल करके भगाया। वहीं सूचना पाकर पहुंचे वन विभाग द्वारा ग्रामीणों के साथ गश्त की गई। थोड़ी देर पहले हाथी ने जो आतंक मचा रहा था बड़ी मुश्किल से भगा तो लिया, लेकिन अभी फॉरेस्ट से सर लोग आए हैं यहाँ पे बंदूक बंदूक लेकर के, तो उनको आने तक हाथी निकल भाग गया था, भगा लिया था ग्रामीणों ने। और अभी आकर के इन लोगों ने भी दो तीन घंटे करीब हमने इनके साथ मिल करके गश्त करी है और हवाई फायरिंग करी। उसके बाद अभी फिलहाल हाथी गया हुआ है। दरअसल ये इलाके हाथी कॉरिडोर से सटे हैं, इसलिए हाथी अक्सर यहाँ आबादी वाले इलाकों में आ धमकते हैं। ग्रामीण इसी तरह शोर मचाकर हाथियों को भगाते हैं। त्रिपुरी वन प्रभाग के अंतर्गत किलपुरा सुरई और खटीमा जो कॉरिडोर है उसका एक अहम हिस्सा है और यहाँ पे हाथियों का आवागमन जो है वो लगा रहता है। तो इसमें हमारे पास कुछ इंसिडेंसेस जो हैं चकरपुर और चीनी गोट के जो है थे, जहाँ पे जो है लोगों के थोड़ा आबादी की तरफ और लोगों के जो फसल है उसकी तरफ हाथियों का आवागमन हो रहा था। तो इसमें जो एक स्पेशल टीम जो है आरओ खटीमा के अंतर्गत जो उसको गठित किया गया है और हमारे द्वारा जो है कंटिन्यूस पेट्रोलिंग रात को की जा रही है। इसमें कुछ लोगों के जिन लोगों की जो है फसलों का नुकसान हुआ है उनको जो है मानव वन्यजीव राहत वितरण नियमावली के अंतर्गत जो है उसमें उनको जो है पैसा दिया जाएगा। और सुबह शाम जो है हमारी टीम वहां पे पेट्रोलिंग कर रही है और लोगों से भी यही आग्रह है कि जो 5 या 6 बजे के बाद जो है जंगल की ओर ना जाएं, क्योंकि जो है हाथी का जो एक नेचर होता है वो एक उसकी टेंडेंसी जो है अग्रेसिव होती है और किसी को भी क्षति पहुंच सकती है। जंगल के इलाकों से सटे गांवों में हाथियों के आने से वन्य जीव संघर्ष का डर बना रहता है। बीते दिनों जंगली जानवरों के हमले भी हुए हैं। ऐसे में वन विभाग को वन्य जीवों और मनुष्यों दोनों की जान बचाते हुए अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। ईटीवी भारत के लिए खटीमा से धीरेन्द्र गौड़ की रिपोर्ट।